क्या दुनिया उधर उधर तक जा रही है आपका जो सोचते हैं उधर जा रही है कि अंतर है क्या है? उधर जाना अनिवार्य है, जाना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है कि नहीं जाएंगे, सिर्फ एक टाइम फैक्टर है कि कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे। अगर जैसे पॉलिटिकल विल हुआ तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और नहीं तो फिर जो है ऐसे आंदोलन वगैरह चलेगा तो थोड़ा सा देरी लगेगी, आंदोलन चलाने में देरी होगी थोड़ा और देरी लगेगी। तो बात ये है, तो आप कहते थे पहले कि इसे भ्रष्टाचार एकदम भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हाँ खत्म हो गया, प्रभाव नहीं पर भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है, तो हो रहा है। तभी वो व्यवस्था कहाँ लागू हुई है जो मैं कह रहा था, जब वो व्यवस्था लागू होगी तब तो खत्म होगा। व्यवस्था जब तक लागू नहीं होगी तो अपने आप थोड़ी खत्म हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि किसी व्यक्ति से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, उसके लिए हम लोग को तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तकनीक से ख़त्म होगा। और तकनीक यही है कि पहले चीज़ तो यह है कि ये जो भौतिक मुद्रा है डिजिटल करेंसी हम लोग को लाना पड़ेगा, इसकी जगह पर फिजिकल करेंसी को समाप्त करना पड़ेगा। तो अब हम लोग अपनी सोसाइटी को जब तैयार कर लें उस डिजिटल मुद्रा के लिए, जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हर व्यक्ति जो है मोबाइल से खरीद बिक्री कर सकेगा, उसके लेन देन का सारा ब्यौरा सरकार के पास होगा, तो पारदर्शिता आएगी। और दूसरी बात है कि कोई भी चीज़ खरीद और बिक्री में ऐसा नहीं होगा कि आप मनमाना किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर दिए, उस तरह से नहीं होगा। पैसा तभी ट्रांसफ़र होगा मोबाइल से मोबाइल में जब उधर से कोई रसीद आएगी, आपने जो सामान लिया उसकी या जो सेवा ली उसकी। यानी आप डोनेशन नहीं दे सकेंगे, मनमाना कि किसी को डोनेशन दे दिए किसी तरह से, या आपने इन्फ्लेटेड रेट दे दिया किसी को। जैसे अगर आपने एक ट्यूटर रखा है तो ट्यूटर जो है 1000 रुपये के स्तर का है, तो आप ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख रुपया दे दिया उसको, आप ये दिखा दिए कि मैंने इसे 1 लाख रुपये पेमेंट दिया, ऐसा मनमाना आप नहीं कर सकते। या डॉक्टर की फ़ीस है 100 रुपये, तो आप ऐसा नहीं है कि आप 20,000 रुपया उसको फ़ीस दे दिए, मनमाना फीस आप नहीं दे सकेंगे। यानी हर जो भी व्यक्ति जो सेवा देगा उसकी कैटेगरी तय होगी। जैसे कैटेगरी तय होती है ना, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, तो 1 कैटेगरी में इतना से इतना रेंज रहेगा, इतना से इतना तक में पेमेंट होगा, इतना से इतना में। तो हर व्यक्ति को सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो भी सेवा दे रहा है कि मैं इस स्तर का हूँ और इसके लिए मैं ये चार्ज अभी करूँगा, तो गवर्नमेंट को प्रमाण पत्र देगी, उतना ही वो चार्ज कर पाएगा, उतना ही उसको पेमेंट होगा। ये नहीं कि आपने किसी डांस करने वाले को बुला लिया, चलो इसको मैंने 10 लाख दे दिया, तो ऐसे मनमाना नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ना आप किसी वस्तु की मनमाना फीस दे पाएंगे और न ही किसी सेवा वाले को, और सेवा के अलावा आप कोई अन्य फीस किसी को भी नहीं दे सकते किसी भी स्थिति में नहीं। बाकी जो मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र है अपने बच्चों को उसका, तो वो सब 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 उसका सब उसकी लीगैलिटी रहेगी और उसका हेरिडिटरी जो बनता है वो रहेगा, तो पता चलेगा कि उसका उस वजह से ट्रांसफ़र हुआ है कि उसके वो पिता हैं या माँ है या बच्चा है जो भी है। तो इस तरह से उसकी पारदर्शिता रहेगी और कोई ऐसा नहीं कर सकेगा, घुस नहीं दे पाएगा कोई। गुरु जी ये कहते हैं कि जो सिस्टम है 500, तो ये एक मैंने बताया, पूरा मुझे बता लेने दें। तो ये मैंने एक भी तरीका बताया करेंसी के जरिए। दूसरा तरीका क्या है कि जो काम कर रहे होंगे सरकारी विभाग में, तो वहाँ पर जो है एक थॉट रीडिंग मशीन लगाई जाएगी। थॉट रीडिंग मशीन का आविष्कार हो चुका है और काफ़ी अभी महंगी है, तकरीबन 8 करोड़ के आसपास दाम है। तो उस मशीन को वहाँ पर लागू कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा हर ऑफिस में, और जितने भी कर्मचारी काम कर रहे होंगे, अधिकारी जितने काम कर रहे होंगे, सबको उस मशीन से गुजरना है। महीने में कम से कम एक बार ऐसा सिस्टम बना सकते हैं या 2 बार बना सकते हैं, वह तो शासन पर है। अब उस मशीन से जब गुजरेंगे तो उसके पूरे दिमाग की स्कैनिंग हो जाएगी कि उसने कोई सामान के रूप में घूस लिया है या नहीं लिया है। जैसे कोई सामान के रूप में भी ले सकता है ना, करेंसी कोई ज़रूरी नहीं है, हीरा मोती प्लॉट मकान बहुत कुछ ले सकता है। तो उस तरह से भी यदि उसने कभी कुछ लिया है या नहीं भी कुछ लिया है,
सिर्फ ऐसे ही फेवर कर दिया क्योंकि हम उसे चाहते हैं, हाँ, तो इस वजह से फेवर कर दिया, तो वह भी नहीं कर सकेगा क्योंकि वह सब उसके माइंड में सब कुछ सेट होगा, माइंड की चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लेगा वो मशीन। तो थॉट रीडिंग मशीन जो है उसको इम्प्लांट किया जाएगा हर जगह। तो इन दो तरीक़ों से वो कितना भी भ्रष्ट व्यक्ति कोई होगा वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। शुरू नहीं है ये, तो साइंटिस्टों के यहाँ है, लेबोरेटरी में है, वहाँ अलग चीज़ में प्रयोग होता है, लेकिन उस चीज़ को हम लोग इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब प्रशासन में प्रयोग कर सकते हैं उसका। ये तो पॉलिटिकल डिसीजन लेना होगा ना, तो कर सकते हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा कठिन है वह, इसलिए क्योंकि उतना पैसा अभी नहीं लगा सकते कि हर जगह हर ऑफिस में उस मशीन को इंस्टॉल कर दें, बहुत महंगा है ना। लेकिन जब हम उसका प्रोडक्शन बहुत मास स्केल पर होगा तो उसका दाम भी नीचे आ जाएगा और तब जो है उसको लगाना आसान होगा। और अभी ये जो व्यवस्था अभी हम लोग सोचे हैं, इस व्यवस्था को लागू होने में भी तो अभी कई बरस लगेंगे। ऐसा थोड़ी है कि अभी हमने सोचा अभी तुरंत तो लागू हो गया, तब तक मशीन का दाम कितना गिरेगा। अभी तो ऐसा तो है नहीं कि कल लागू हो रहा है ये, लेकिन बात यह कि हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अब उस टेक्नोलॉजी का हमें यूज करना है। और आने वाले समय में और जब 20 बरस के आसपास इसको लागू करने में लगेगा, 20 बरस या 25 बरस, तब तक वो उसकी जो और बढ़िया तकनीक आ चुकी होगी और एडवांस, हाँ, तो वह भी हम लोग के लिए और बढ़िया हो जाएगा तब। तो इस तरीके से ये भ्रष्टाचार का तो यह स्कीम है। और आगे बोलिए जो बोलना है। जो अब पोलिटिकल बात बात वाले पोलिटिकल पोलिटिकल तो जो सिस्टम तो पोलिटिकल मतलब पोलिटिकल लोगों के हाथ में है अब तक। तो जो 500 जो 45 या जो हैं लोग पार्लियामेंट में बैठे या 800 कह लीजिए राज्यसभा मिला करके जो पूरा जो फैसला ले रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, तो उनको वहाँ से ना कैसे ले आया जाएगा और कैसे आपका आइडिया वहाँ जाएगा? क्योंकि नीतिगत बात है, आप फैसला तो आपके पास आइडिया है लेकिन फैसला को लेना है उसको, तो जब आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो आप इस आइडिया को लागू कैसे करेंगे? हमने कब कहा कि नहीं पहुँचेंगे? हमने ऐसा नहीं कहा कि नहीं पहुँचेंगे। तो फिर तरीका क्या होगा? तरीका यही है, संसदीय कि कुछ और भी है? नहीं, तरीका तो यही रहेगा, संसदीय रहेगा, और कोई तरीका नहीं है। दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो जो अभी हमारा संविधान है उस संविधान के हिसाब से चलना, दूसरा है संविधान के विरुद्ध चलना। हाँ, संविधान के विरुद्ध चल करके आदमी मारा जाएगा और कुछ नहीं होगा, और वैसे लोगों का कोई वैल्यू नहीं है, वे सब सब मिसगाइडेड लोग होते हैं। जब संविधान ने दिया है पर्याप्त आपको मौका, तो संविधान के तरीके से आपको चलना होगा। जैसे कई पार्टियां बनी है वैसे आप भी पार्टी बनाइए, हाँ, जैसे वे चुनाव लड़ते हैं वैसे आप भी लड़िए, संविधान ने आपको भी अधिकार दिया है, आप पब्लिक को समझाइए, पब्लिक से वोट लीजिए, वोट करके आप सरकार बनाइए, सरकार बना करके आप इस सिस्टम को लागू कीजिए और फिर विदा हो जाइए खुद भी, सबको विदा करके, ऐसे सिस्टम है। तो ये गुरु जी कहते हैं, आप बताइए जो संविधान है उसको लोगों ने कैद रखा है, आप सोच, हाँ आप बताइए। मेरा कहना है कि जैसे है तो बिल्कुल सही है, लोकतंत्र है, मतलब एक इकाई जो है अपने सुरक्षा न्याय के लिए मतलब सिस्टम बनाया है। तो मेरे दो ही अधिकार होते हैं, एक तो मौलिक होता है मूल, वो ईश्वर देता है, और जो ईश्वर देता है वो ले भी कोई मनुष्य नहीं, समाज नहीं ले सकता। तो उस ईश्वरीय व्यवस्था को पालन करने के लिए आपने जैसे दरवाजा लगाया या पहरेदार रखा मान लीजिए, तो आप अपने सुरक्षा के लिए न रखें। तो लोक माने होता है, हम मानते हैं कि संपूर्ण है 7.5 अरब लोग दुनिया में, न माने तो भारत की कल्पना करें तो लगभग 138 करोड़ के लगभग इस समय। तो जो तंत्र हमारा है, पहला मूल ये प्रतिनिधि है कि प्रबंधक है, यह सोचना पड़ेगा। जो पार्लियामेंट गए हैं, पार्लियामेंट में हम लोग प्रबंधक हैं, हमारे मालिक हैं। तो ये देखिए, दोनों को आप समझते होंगे कि प्रतिनिधि और प्रबंधक में बड़ा फर्क होता है। प्रतिनिधि वो होता है कस्टोडियन, मीन्स जब बालक नाबालिग होता है तब उसका संरक्षक नियुक्त होता है, अथवा पागल हो जाए तो कोई उसका उत्तराधिकारी संरक्षक नियुक्त होता है, यह प्रतिनिधि होता है। और प्रतिनिधि के पास आप जो राइट देते हैं, जो राइट पावर
ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चार होते हैं, तो वो अमानत होती है। तो जब आपने हमें ये अमानत दिया, तो क्या मुझे ये राइट है कि मैं आपकी अमानत का ख्यानत कर दूं? वो तो आपकी धरोहर है, जो कभी भी आप मांग सकते हैं। कर्ज आपका हम खर्च कर सकते हैं, कर्ज आपसे लिया तो हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन अमानत आप जा रहे हैं कि ये कुटिया में मेरा सामान रखा है और इसकी देख रेख करिएगा, तो आपके जाने के बाद मैं इसको उपयोग नहीं कर सकता, हम इसकी सुरक्षा कर सकता हूँ और जैसे आप आएंगे तो चले। और प्रबंधक अलग होता है, लेकिन कस्टोडियन होगा तो हम इसको आपकी संपत्ति को खर्च भी कर सकते हैं। इन दोनों में बड़ा अंतर है। तो आज जो हम जिसको तंत्र को कह रहे हैं, तो हम कस्टोडियन चुनते हैं कि प्रबंधक चुनते हैं। तो जब प्रतिनिधि ही हम लोग चुनेंगे, बार बार चुनेंगे, तो फिर तो अपने अनुसार सिस्टम बनाएंगे। हम भी कह रहे हैं कि संविधान जो है, तो संविधान से ऊपर कौन होगा? नियुक्त करने वाला आया नियुक्त करता बड़ा कौन होता है? यहां पेच मूल फंसा हुआ। हम लोग ये कह रहे हैं कि संविधान समाज के नीचे हो, और संविधान जो बन रहा है समाज के अनुसार, तो तंत्र की अपॉइंटमेंट होती है संविधान सम्मत। तो संविधान के नीचे तंत्र होना चाहिए, और तंत्र के नीचे कौन होगा? कानून। तंत्र कानून बनाए व्यक्ति के लिए, लेकिन अब थोड़ा उल्टा हो गया, क्योंकि ये 70 वर्षों तक, देखिए पहले क्या रहा, राजतंत्र रहा, सनातन रहा, क्या रहा, उसमें जाने की जरूरत नहीं। हम लोग जब से मान रहे हैं, आप 51 से देखें, 1947 से, फिर 1950 में लागू किए, फिर 51 से इसमें लड़ाई छिड़ गई, मतलब दो की कार्यपालिका तो दबा दिया गया, विधायिका ने दबा दिया, नीचे कर दिया, जबकि तीनों ये सहभागी थे, तीनों के काम बटे थे, और कार्यपालिका को दबा करके विधायिका न्यायपालिका आज तक लड़ रही है। कहीं ऐसी नियत न गड़बड़ा जाए हमारे तंत्र की, जो हम कस्टोडियन कह रहे हैं, तो कह दे कि जो से आपने कहा ना कि मशीन को संचालित कौन करेगा, जो बनाने वाला है मशीन में, तो ये मशीन झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन मेकर जो होगा वो कोई एक ऐसा पॉइंट डाल दिया जो तय करेगी कि ये ठीक है ये गड़बड़ है, तब क्या होगा? यानी नीति सही होनी चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि जो अभी संविधान है तो समाज सम्मत हो। एक तरफ यही तंत्र जब चाहता है संविधान सम्मत, कहता है कि मैं संविधान के अनुसार चल रहा हूं, और फिर दूसरी तरफ उसमें संशोधन इतने कर देता है कि हम आपको पता ही नहीं कि कब कितने संशोधन कर दिया, क्या आवश्यकता पड़ी संशोधन करने की। ये बात सही है कि परिस्थिति जन कोष कोष पानी तीन कोष में वाणी बदलती है, तो उसका घूम करके अनुभव करने के नियम लागू करना चाहिए कि एक जगह बैठ करके कर देना चाहिए? और फिर परिस्थिति जन तो हर जगह का नियम अलग अलग हो जाएगा। देखिए राज्यों का आप आकलन करेंगे, धरती का आकलन करेंगे, तो जो सिस्टम अमेरिका में लगे लागू होगा तो भारत में नहीं लागू होगा। भारत में तीनों ऋतु चारों मतलब प्रकार की ऋतुएं भी हैं। अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, हर तरह की अलग अलग स्थिति। इसका क्या सिस्टम है कि जो संविधान बने, बहुत दुनिया में तो बिना संविधान के भी चल रहे हैं, लेकिन भारत का बड़ा संविधान है, कहा भी जाता कि सबसे दुनिया में, यह संविधान किसके हाथ में होना चाहिए? हम लोगों ने जो रिसर्च किया, तो संविधान से ऊपर हम लोग समाज को मान रहे हैं, समाज के नीचे संविधान, और संविधान सम्मत जो हमारा प्रबंधक है, ये प्रबंधक माने अपने को, और प्रबंधक माने मैनेजर होता है, तो मैनेजर हम नियुक्त करेंगे, हटा सकते हैं जब भी इच्छा में, नहीं जरूरत होगी, आपको लगेगा कि मुझे यहाँ किसी की सेवादार की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जब लगेगा तो नियुक्त कर लेंगे, उसका हम भुगतान करेंगे, यानी लोक मालिक। और तंत्र का काम क्या है कि वो इकाईगत कानून बनाए व्यक्ति के लिए,
व्यक्ति से ऊपर तंत्र हो सकता है, तो ये गड़बड़ी है। संविधान से ऊपर तंत्र है जो, क्योंकि आप केशवानंद भारती प्रकरण को पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि कभी हमारी विधायिका ऊपर, कभी न्यायपालिका ऊपर। तो अभी तो चल रहा है कि न्यायपालिका की जरूरत ही नहीं, ऐसा भी अभी ला में पूरा प्लानिंग चल रही है, तो फिर विधायिका सर्वोच्च हो जाएगी। इस पर क्या चिंतन है? हम ये कहेंगे जो लोक है वो लोक को तंत्र ना नियंत्रित कर रहा है, जबकि इनका मानना है कि लोक को तंत्र को नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन तंत्र ही लोक को नियंत्रित कर रहा है। और जो संविधान है, संविधान में जो तंत्र है खास करके पार्लियामेंट, वो जब चाहता है संशोधन कर देता है बिना लोक से पूछे। तो संविधान तो लोक के लिए बना है, तो ये जो अधिकार है लोक के हाथ में आना चाहिए संविधान से, तो लोक को नियंत्रित करना चाहिए तंत्र को। और आज वर्तमान में तंत्र लोक को नियंत्रित कर रहे हैं और विधायिका और न्यायपालिका लगातार आपस में संघर्ष कर रहे हैं कि हम बड़ा हम बड़ा, इसमें लोक की कहीं भूमिका ही नहीं है। ये इनका सवाल है कि इसमें हम लोग क्या करें। देखिए, आपकी बातों को पूरा सुना हूँ, आपकी बातों को भी सुना हूँ। हम लोग का भी यही मानना है कि समाज जो है उसके लिए संविधान बना है, संविधान के लिए समाज नहीं बना है। और समाज को यह अधिकार होना चाहिए कि कभी भी संविधान को संशोधित कर सके, संविधान को बदल सके, उसमें नए चीज़ जोड़ सके, उसमें से कुछ चीज़ हटा सके। और इतना ही नहीं, सरकार के जो भी निर्णय होते हैं वे सारे निर्णय जनता के द्वारा होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि लोकतंत्र है। यानी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को आदेश और निर्देश देने का अधिकार जनता को होना चाहिए सीधा। और यह कैसे आएगा, सवाल यह उठता है, क्योंकि हम लोग संविधान के तहत ही हम लोग को चलना है। तो अब यह बात है कि जैसे कि अभी जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, संविधान ने उनको अधिकार दे रखा है कि आप यहाँ के संपत्ति को मैनेज ही नहीं कीजिए, संपत्ति को बढ़ाइए भी, और संपत्ति का जिस तरह से चाहें आप प्रयोग कर सकते हैं जब तक आप बहुमत में हैं, तो अब तक आपकी सरकार है आप कर सकते हैं, और आपके ऊपर कोई भी लीगल क्लेम नहीं किया जाएगा, कोई आप दंड के भागी नहीं बनेंगे। तो अब प्रश्न रहा कि इनसे अगर हम लोग कहेंगे कि आप जो भी पार्लियामेंट में बिल पास करते हैं वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए, उसके पहले ये जनता के पास जाना चाहिए, जहाँ जनता भी इसमें अगर बहुमत से पास करे तभी वो माना जाए कि पास हुआ, और तब राष्ट्रपति के पास जाए। यदि हम उनसे ऐसा कहते हैं तो वो कहेंगे भाई हम नहीं मानते इस बात को। तो अब उसके बाद बात उठती है कि फिर आपके पास क्या विकल्प है। फिर विकल्प वही है कि आपको भी पार्टी बनानी पड़ेगी और आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि हम लोग ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, और लोग अगर समर्थन आपका करते हैं तो आप वहाँ जा करके आप बहुमत करके लोकसभा राज्यसभा भी दोनों में, और फिर सरकार खुद बना करके फिर इस तरह के संविधान को ला करके आप पास करा करके फिर इसको लागू कर सकते हैं, जनता को पूरा अधिकार दे सकते हैं जो देना चाहते हैं। और मेरा ये मानना है कि शुरुआत में ही होना चाहिए कि अब पार्लियामेंट रहे और वहाँ पास करे, उसके बाद जनता के पास आए, फिर जनता पास करे, फिर उसके पास जाए। बाद में क्या होना चाहिए कि वो नेता भी हट जाना चाहिए, पार्टी भी हट जानी चाहिए, कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ जनता डायरेक्ट बनाएगी, नेताओं की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ये व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन डायरेक्ट उसमें शिफ्ट नहीं करके शुरू में बीच में एक मतलब कोई जो जब ट्रांसफ़र होता है कोई पावर, तो बीच में एक मध्यस्थता करने वाला होता है, तो ये मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं राजनीतिक दल। तो हमारा तो यही सोचना है कि ये सीधा इस तरह से होना। अब कानून कैसे बनेगा, तो कानून कंप्यूटर और स्मार्टफोन के जरिए बन सकता है, हम लोग इसके जरिए ही बना सकते हैं, और कहीं भी वोटिंग देने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, हम लोग यहीं से दे सकते हैं कोई भी वोट। जो हम लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं वो हम लोग कानून भी चुन सकते हैं स्मार्टफोन के जरिए, और निर्वाचन आयोग के लिए भी सुविधा होगी कि ये सब जारी नहीं करना पड़ेगा, वहाँ बूथ कैप्चर और फलना ढिकना और ये पेटी और ईवीएम मशीन फलना ढिकना कुछ नहीं, ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा। और इसके लिए पहले हम स्विच ऑफ ओवर करेंगे, ऑनलाइन जो है वोटिंग का सिस्टम शुरू करेंगे जनप्रतिनिधि चुनने वाला, बाद में ऑनलाइन जो है हम लोग लॉ भी चुन सकेंगे, और उसके हिसाब से फिर हम लोग ऑनलाइन जो है निर्देश दे पाएंगे। तो अगर जिले
के जो अधिकारी हैं उनको अगर निर्देश देना है तो जिले की जो बहुमत की जो जनता है उसका निर्देश उनको मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, बाध्यकारी होगा। उसी तरह से गांव की जो बहुसंख्यक जनता है उसका जो निर्णय होगा वो गांव के जो भी पटवारी सटवारी जो रहते हैं और उनको उनका निर्णय मानना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं, तंत्र इसमें हमारा स्थापित हो जाएगा। अब रही कि उनका जो संघर्ष चल रहा है, आपने जो केशव नंदा भारती वाला जो उदाहरण दिया है, तो कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों का संघर्ष चल रहा है शुरू से ही। तो अब ये कहते हैं मैं श्रेष्ठ, वो विधायिका कहती है मैं श्रेष्ठ, तो दोनों का एक तरह से अभी बैलेंस भारत में है, हम समझते हैं ठीक ही है बैलेंस। और हालांकि थोड़ा सा मैं विधायिका की तरफ ज़्यादा मुझे लगता है कुछ झुका हुआ है, क्योंकि अगर कोई भी जनता का एस्पिरेशन है, उसको पार्टी कोई लागू करना चाहती है, तो एक ग्रुप जो है विधायिका में वो उसको रद्द कर सकता है, ये तो संविधान के विरुद्ध है। हाँ, बिना किसी कॉज को बताए हुए सीधे फ्लैटली कह देंगे संविधान के विरुद्ध है, संविधान की भावना के विरुद्ध है, इसको हम लोग नहीं मानते, ये कानून नहीं है, तो फिर उसका सारा कानून पास किया हुआ बेकार हो जाएगा। यानी अगर कोई एक ऐसा है ग्रुप, अभी क्योंकि ये जो अपॉइंटमेंट होते हैं जजों के, तो इनका जो कॉलेजियम बना हुआ है, तो यह जो है एक पूरा का पूरा एक गिरोह है, और वे लोग उसका अपना वर्चस्व नहीं टूटने देना चाह रहे हैं। और मूलतः मैं समझता हूँ कि देश का जो बड़ा डिसीजन होता है वही लोग लेते हैं, और वो अपने हाथ में पावर रखे हुए हैं। मोदी ने भी बहुत प्रयास किया, इंदिरा गांधी ने प्रयास किया, राजीव गांधी ने प्रयास किया, सब ने प्रयास किया, लेकिन इस जिंक्स को ब्रेक नहीं कर पा रहे। तो यह संघर्ष अभी है, हो सकता है कि यह संघर्ष जब जैसा हम लोग सोच रहे हैं उस तरह से अगर लॉ अगर बनाया जाए तो उस वक्त भी ये प्रॉब्लम आ सकता है कि वो न्यायपालिका कह सकती है ये सब कानून क्या बनाते हो फालतू, ये सब कानून नहीं चलेगा। तो प्रश्न उठता है कि उस वक्त क्या होगा। एक बहुत बड़ा सवाल यह उठता है कि कोई भी कानून बनाया जाएगा जो जनता के हित में है, तो जनता से बड़ा यहाँ संविधान बना दिया गया और संविधान से बड़ा न्यायाधीशों को बना दिया गया, एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो न्यायाधीश बाधा बन जाएगा, तो न्यायाधीश का इलाज तो जैसे तालिबान वाले हैं ना, फिर उस टाइम से ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं रह जाएगा। कि आप जो है सीधा सीधी ये जनता का एस्पिरेशन है, इसमें अगर कोई गलती नहीं है, संविधान की किस भावना के विरुद्ध है ये आप बताएं। लोकतंत्र का तो मतलब ही होता है जनता को कानून बनाने का अधिकार, जनता को हर चीज़ का अधिकार दिया जाए, तो जनता को अधिकार दिया जा रहा है तो आप इसकी भावना के विरुद्ध नहीं कह सकते हैं। तो उसके बावजूद भी यदि वो कहते हैं कि नहीं है, तो फिर उसको नहीं माना जाएगा, और ऐसे लोगों की जो है घेराबंदी और जो कुछ भी हो सकता है बाई फोर्स कुछ करना पड़ेगा, तब होगा। तो यहाँ पर हमें नहीं लगता है कि नेता उतने इसमें बाधा सिद्ध नहीं हो सकते, नेता उतने ही तक बाधा सिद्ध हो सकते हैं कि भाई ठीक है वो बहुमत में है तो नहीं करेंगे, लेकिन जब कोई पार्टी बन जाएगी और वो पार्टी बहुमत ले आएगी तब बाधा नेता नहीं रहेंगे, तब बाधा ये न्यायाधीश रहेंगे, और उस वक्त न्यायाधीश से एक संघर्ष तो होगा ही, चाहे वो पब्लिक प्रेशर हो उसका संघर्ष या बाई फोर्स का संघर्ष, तो यह एक होगा, एक प्रॉब्लम तो आएगी, निश्चित ही आएगी। अब मशीन की जो बात आपने कही थी, जरा वो मैं बता देता हूँ। जैसे आपने कहा कि मशीन में कोई इनपुट कोई डाल देगा तो जो मशीन बनाने वाला है तो वो रूल करेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी जो मशीन बनती है, जैसे मान लीजिए कि मोबाइल ही बनी है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो मनसो कोई भी कुछ डाल देगा, क्योंकि कोई एक आदमी नहीं बनाता है, इसमें हजारों इंजीनियर होते हैं जो उसको देखते हैं, समझते हैं, और वे इसको छेड़छाड़ कर सकते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं। तो जब सबकी निगाह में कोई चीज़ होती है तो उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो मशीन रहेगी लेकिन मशीन का वो नहीं कर सकते। अगर ऐसे मशीन करता तो बैंक के सारे रुपये लोग लूट करके बैंक वाले ही बैठ जाते हैं लोगों का। हाँ, हैंग हो जाता है। हाँ, मोबाइल तो हैक किया जाता है, ये वो हैक होता है, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि हैक होता है तो आखिर वो हैक भी कहाँ करते हैं? बहुत छोटे मोटे हैक करते हैं तो उसको फिर वो कर दिया जाता ना। जैसे अगर हमारी गाड़ी है, हमने कोई गाड़ी खरीदी तो गाड़ी कहीं कुछ बिगड़ गई, कुछ कलर पुर्जा टूट गया, तो उसको फिर बना दिया जाता है, तो इसलिए हम लोग गाड़ी को नहीं छोड़ सकते। तो उसी तरह से मोबाइल को हैक कर लिया जाता है या कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया जाता है, तो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं जो रात दिन रिसर्च कर रहे हैं, तो वे उसको मरम्मत कर लेते हैं। वही दोनों काम करते हैं। और अभी जो लेटेस्ट जो है क्वांटम ऑप्टिक्स की टेक्नोलॉजी आई है, तो उसमें तो ऐसा है ना कि आप हैक ही नहीं कर पाएंगे। अब वैसा सिस्टम
आ गया है, वैज्ञानिकों ने खोज लिया है, जिसमें कि जहाँ से चला जिसके लिए चला बस वही, बीच में कोई उसको वो नहीं कर सकता। तो वो क्वांटम टेलीपोर्टेशन का सिस्टम अब से शुरू हो गया है, क्वांटम कम्युनिकेशन शुरू होने वाला है, तो वो खोजा जा चुका है। तो वह बहुत ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। मसला यहाँ पर दो है, एक जनता को संतुष्ट करना कि भाई ये आपके भले के लिए है, आप इसमें समर्थन दीजिए, क्योंकि आप देखेंगे जनता किसी न किसी पार्टी से जुड़ी हुई है, वे पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उनके ही हक में यदि बोलो तो भी सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है, वो बीमार है, वो मरने वाला है, उसके घर वाले उसको दवा पिलाना चाहेंगे, लेकिन